subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में PQR तीन पार्टनर्स हैं और उनकी रेशियो 4:3 थी, फ्यूचर में 5:1 करना चाहते हैं, पर उनकी बैलेंस शीट में एक तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 5 लाख का शोन है, जनरल रिजर्व 3 लाख का शोन है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस 5 लाख, मतलब प्रॉफिट शोन है 5 लाख रुपए का। नेसेसरी जनरल एंट्री पास करो अगर कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड के अगेंस्ट। एक बात आप समझने की कोशिश करें बच्चों, जनरल रिजर्व पूरा बढ़ जाना है बिना किसी प्रॉब्लम के, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बढ़ जाना है बिना किसी दिक्कत के, पर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो है ना, वो हमने किसी भी तरह के वर्कमैन को किसी भी तरह की कॉम्पेंसेशन देने के लिए बनाया है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन PSR अगर कोई कॉम्पेंसेशन नहीं है तो फिर सारा रिजर्व मेरा फ्री है, फ्री का मतलब मैं इसको पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई क्लेम है इसके अगेंस्ट कि भाई हमें इतना पैसा देना है किसी को, तो वो माइनस करने के बाद जो बचेगा वो फ्री है, सारा फ्री नहीं। अगर हमने वर्कमैन कॉम्पनसेशन का रिजर्व बनाया हुआ 5 लाख और ए पार्ट में बोलता है कि कोई क्लेम नहीं है, तो इसका मतलब पूरा 5 लाख रुपए हमारे पास फ्री है, मैं पूरा 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान से देखें, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल एंड टू आर्स कैपिटल। पार्टनर्स में जितने भी प्रॉफिट पड़े हैं उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ओल्ड रेशियो थी 4:3:3। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 5 लाख, जनरल रिजर्व 3 लाख, प्रॉफिट 5 लाख, 13 लाख को 4:3:3 की रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डन। बट सेकंड पार्ट में अगर कोई क्लेम है 2 लाख अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, तो इसका मतलब 2 लाख रुपए तो हम लोगों को उस लायबिलिटी के लिए रखना ही पड़ेगा, उसको अलग कर दो, उसकी हम एंट्री पास कर देते हैं, रिजर्व को रिड्यूस कर देते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। रिजर्व प्रॉफिट की नेचर का होता है और क्लेम लायबिलिटी की नेचर की होती है, तो 2 लाख रुपए प्रॉफिट से निकालकर लायबिलिटी बना दिया, इस वजह से मेरा अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रिड्यूस हो गया। नाउ आई एम हैविंग वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ओनली 3 लाख, लेकिन बाकी जनरल रिजर्व 3 लाख का ही है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी 5 लाख का ही है, उसमें तो कुछ है नहीं बच्चों, वो तो एज इट इज पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो 5 लाख का था, इसमें से 2 लाख की क्लेम क्रिएट हो गया है, तो बाकी मेरे पास सिर्फ 3 लाख का ही रिजर्व बचा है। अब हम इसको पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। सो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैंने आपको कराया, सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व बांट दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, लेकिन ध्यान रखते हुए कि अगर किसी रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम है तो वो माइनस कर लेना, बैलेंस ही बांटना है, सारा बांट दिया तो गलती हो जाएगी। सो 11 लाख टोटल बना 4:3:3 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, डन बच्चों, ओके राइट।